सारा जिला। वो देखिए ये वही डायरी है ना संतू जी, जिसमें कुछ दिन से पुष्पा जी छुपा छुपा के कुछ तो लिख रही हैं खतरनाक। उसके बाद से अलादीन के चिराग की तरह उसको वहां पे छुपा देती हैं। वही डायरी है नहीं? जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलोगे हमारे साथ? देखो मैडम सर 10 दिन के बाद ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही हैं और आज तो है रक्षाबंधन, शहर की सारी औरतें भी आएंगी उनको राखी बांधने के लिए, तो तब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो सब आए चलो ना चाय पीकर आते हैं। अब पुष्पा जी वो मेरा मन नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरे पेट में सुबह से गुड़गुड़ हो रही है। और हम ना अभी 2 मिनट पहले चाय पीना छोड़े, अगला 3 घंटा के लिए, उसके बाद पियेंगे। ठीक है फिर हम भी नहीं जाइए, आप जाइए आराम से पी कर आइए। ऊपर से कोई दूसरा भाषा में लिखा हुआ है संतोष जी? बिल्कुल, की पकड़ी चीते। हाँ थाने का कच्चा चिट्ठा, किसी बड़े छोटे की एक नहीं सुनना, बस अपनी मनमानी करना, ऐसे चलता है क्या तुम? इस चिट्ठे तेरे बारे में भी लिखा है। अच्छा हाँ क्या लिखिए, पढ़िए तो जरा। एक तो रोज लेट आना, आते ही पिछले कमरे में जाके लेट जाना, नींद में बस संतू के सपने देखते जाना, नींद में बड़बड़ाना, मौसम है सुहाना, आ गले लग जाना, फिर से खाना, फिर से सो जाना, ऐसे चलता है क्या थाना? हो गया अभी नहीं हुआ आपका है संतु जी, आपके बारे में भी लिखा हुआ है संतु जी, हमको पढ़ लीजिए। 24 घंटे सिर्फ प्लम्बर का नंबर मिलाना, अपने नल का बदला हमारे थाने के नल से लेना, बार बार नल खोलकर भाग जाना। संतु जी वो आप थी? बाप रे, पूरा दिन हम बंद कर रहे हैं संतु जी, पूरा दिन बस इसी में लगी रहना, सबका चाय पीकर खिसक जाना और हमसे ही पैसे दिलवाना, ऐसे चलता है क्या थाना? बाप रे बाप। चीते, पुष्पा जी ने हमारी इतनी बुराई की, वो भी इतनी घटिया तुकबंदी में। थिएटर से निकला हुआ सुनामी है ना पुष्पा जी, अभिनय करती हैं तो उसमें सुनामी आ जाता है, लिखावट की है तो उसमें सुनामी आ गया, क्या कीजिएगा? बदनाम कितना नालायक है, देखो अभी तक चाय भी नहीं बनाई, तो हम बिना चाय पिए ही वापस था। बताते हैं हम वो करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। हाँ, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। मैडम सर का ऑर्डर था ना कि जब वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पर वापस आएंगी तो उन्हें थाने का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए हम सब ये लिख रहे थे। वो अपने मन से थोड़ी ना लिख रहे थे, उन्हें चाहिए तो ऑर्डर था तो इसलिए कर रहे थे ना हम। क्या है ना पुष्पा जी कि लिस्ट तो हमारे पास भी है और इससे कई ज्यादा बड़ी है। टॉयलेट पेपर का 2-2 रोल ना पुष्पा जी, आपके शिकायत को लिखकर भरे हुए हैं। अरे चिता चतुर्वेदी, बुरा मान गया बच्चा, बड़ों की बात का छोटे पे ऐसे बुरा नहीं मानते, ऐसा करते हैं ना हाँ कि हम तुम दोनों की शिकायत नहीं करेंगे और तुम दोनों हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना, आपसदारी में निपटा देते हैं ना सब। आपसदारी में मुझे SHO हसीना मलिक से मिलना है।
ओ अच्छा, शायद आप राखी बांधने आई है ना। आप थोड़ा सा जल्दी आ गई है, वो मैडम सर को आने में अभी एक डेढ़ घंटा और है। बाकी की और भी बहुत सारी औरतें आती हैं मैडम सर को राखी बांधने के लिए, तो आप एक डेढ़ घंटे के बाद आ जाइए। हाँ, अभी आप जा सकती हैं। नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी उनका। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। हाँ वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम सर। गुड मॉर्निंग मैडम सर। घर पर चार दिन रुका हुआ मेहमान भी जाता है तो उसकी याद आती है। आप तो इस घर की मुखिया है तो आपकी तो याद जरूर आएगी ना हमें। और कैसा चल रहा है सब कुछ संतोष? मैडम से नया प्लम्बर बुलाया, आई होप अभी तो मेरा क्वार्टर कनाल ठीक ही हो जाए। बाकी थाने में सब बढ़िया है, क्यों पुष्पा जी? चीता चतुर्वेदी? मैडम सर इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं बस एक बार संतु जी का क्वार्टर का नल ठीक हो जाए फिर क्या ही दिक्कत रहेगा लाइफ में। बाकी थाना में तो सब कुछ ठीक है, क्यों पुष्पा जी? मतलब यही है मैडम सर कि आप जैसा छोड़ कर गई थी ना सब वैसा का वैसा ही है। हाँ कुछ चीजें वैसी ही रहनी चाहिए। ये सब छोड़िए ना, आप बताइए आप कहाँ कहाँ घूमी इतने दिन? हाँ। कैसी बनाई अपनी छुट्टी, सब बताइए, हमें सब सुनना है। SHO हसीना मलिक? यस मैडम सर, ये एक्चुअली आपको राखी बांधने के लिए आई हैं और मैंने इनसे कहा भी था कि आपको आने में अभी एक आधा घंटा और है, लेकिन इन्होंने कहा ये वेट करेंगी तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो हम आ ही गए हैं, आइए राखी बांधते हैं। ये आपके लिए। साइज चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैं बदल के ला दूंगी। क्या है ये? ये तो एप्रन है। अब पूछिए मैं आपके लिए ये एप्रन क्यों लाई हूं? क्यों? क्योंकि आप इसी के लायक हैं। ये पहनिए और आज जाकर अपने घर की रसोई में खाना बनाइए। ये पुलिस की नौकरी, इस वर्दी और इस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं है हसीना मलिक। उतारिए इस यूनिफॉर्म को जाकर और अपने घर पे बैठिए। आप जैसी बुजदिल और कमजोर औरत के लिए नहीं बनी है ये वर्दी हसीना मलिक। कायर है आप, कायर। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ क्या बकवास कर रही हो? होश भी है तुम्हें? किसके सामने खड़े होकर तुम क्या बके जा रही हो? हमारी तरफ देखो। मैडम सर के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो उठाकर लॉकअप में डाल देंगे तुमको। मैडम सर हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई। राखी? और इन्हें, इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। ये करेंगी हमारी रक्षा? हाँ वर्दी के पीछे छिपी कायर डरपोक बुजदिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल पुष्पा जी रहने दीजिए। मैडम सर ये छोड़ दीजिए। ये अश्लील फोटोज देखिए। डेट में इंटरनेट से पूरी दुनिया इन्हें देख रही है, हर जगह वायरल हो गए हैं ये। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आम दुनिया पर बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। क्यों मैडम, गई थी ना आप, गई थी ना इस मिशन पे चेतानों को पकड़ने और ये सब हमेशा के लिए खत्म करने? लीक होने से पहले मेरी और मेरे जैसी ऐसी हजार लड़कियों की फोटोज और वीडियो सीज करवाने, हम सबको इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचाने। क्या हुआ,
आ गई लौट कर नाकाम होकर, आप भी हार गई ना, नहीं पकड़ पाई ना उस आदमी को जिसके जरिए आप ये सब खत्म कर सकती थी। ये क्या कह रही हो तू? सच बोल रही हूँ मैं। पूछिए अपनी मैडम से, कही थी ना आप उस आदमी को पकड़ने, जो अगर हाथ आ जाता तो शायद शायद मेरे ये फोटोज और वीडियोस अपलोड होने से बच जाते, पर नहीं, नहीं पकड़ पाई, निकल गया वो इनके हाथ से, और इनकी इस लापरवाही और बुजदिली की सजा भुगत रही हूँ मैं और मेरे जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियाँ। पूछो सच बोल रही हो या झूठ, पूछो अपनी मैडम से। हम एक केस पर थे और ये केस बहुत ही सीक्रेटिव था, इसलिए आप सबको बताया गया कि हम 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। इंटेलिजेंस से हमें खबर आई थी कि एक गैंग है जिसका काम है भोली भाली मासूम लड़कियों की नाजायज इलीगल अश्लील फोटो खींचना, धोखे से उनकी अडल्ट वीडियोस बनाना और दूसरे देशों के इलीगल वेबसाइट्स पर उन्हें अपलोड करके लाखों करोड़ों का धंधा करना। और इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम हमारे देश के किसी इंसान का है जो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करता है। इस गैंग के काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा शातिराना है। ये गैंग जो है उन भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता है जो छोटे छोटे शहरों से, अच्छे शरीफ घरों से आती हैं फिल्मों में, टेलीविजन में एक्टिंग करने के लिए। फिर ये इन्हें काम देने के बहाने, पैसे देने के बहाने, शोहरत देने के बहाने धोखे से इनके अश्लील फोटोज खींचते हैं, धोखे से इनके अडल्ट वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। हमारा प्लान था किसी भी तरीके से इस गैंग तक पहुंचना और उनका पर्दाफाश करना, और ये करने के लिए हमने नया नाम, नई आइडेंटिटी अपनाई, खुद को एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताया, हमने ऑडिशन दिया और जैसा कि हमारा अंदाजा था उन्होंने बहुत आसानी से हमें सिलेक्ट कर लिया किसी वेब सीरीज के लिए। जब हम शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और स्क्रिप्ट हमें मिली, तब हमें पता चला कि हमें जो स्क्रिप्ट मिली है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। वो स्क्रिप्ट जो हमें सिलेक्शन के वक्त दी गई थी, इस स्क्रिप्ट में जो हमें अभी मिली थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लील और अडल्ट कंटेंट था। हम समझ गए, हम उस वक्त इस गैंग के काम करने का तरीका समझ गए और हमने जानबूझकर स्क्रिप्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई ये जानने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। और तब इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिलेक्शन के वक्त हमने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर एक एक्टर की वजह से शूटिंग रुकती है तो शूटिंग में लगा हुआ जितना भी पैसा है उसका खामियाजा इस एक्टर को भुगतना होगा। और तब जाकर हमें समझ में आया कि हम इस गैंग को जितना समझते थे इससे कहीं गुना ज्यादा शातिर है। हम उस मेन आदमी तक पहुंचना चाहते थे जो इस रैकेट के पीछे है। हम शूटिंग से तो जैसे तैसे भाग गए, लेकिन भागने से पहले हमने उस ऐप का वेब एड्रेस ले लिया जिस पर ये अश्लील कंटेंट अपलोड करते हैं, और उस एड्रेस के जरिए उस कंपनी को सपोर्ट करने वाले एक कंपनी के मेन आदमी का सुराग हमें मिल गया। हमने उस आदमी को कांटेक्ट किया, उससे मिले, उसे जैसे तैसे कन्विंस किया कि वो इस मिशन में हमारा साथ दे, और वो मान गया। इस रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबके कांटेक्ट, एड्रेस, सबूत, सब कुछ इकट्ठा करके वो हमें देने के लिए तैयार था। वो हमसे मिलने ही वाला था कि हमारे सामने आने से पहले ही वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम उस गैंग के कंपनी में भी गए लेकिन ना वहाँ कोई कंपनी थी, ना कोई लोग, ना कोई ऑफिस, जैसे कभी कोई वहाँ था ही नहीं। रातों रात पूरा गैंग, पूरा ऑपरेशन गायब।
पर हम कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते इससे पहले वो जितनी भी लड़कियां थी जिनके फोटोज और वीडियोज इस कंपनी के पास थे वो अपलोड कर दिए गए। ठीक कहा उसने पुष्पा जी, हम हार गए। वो तमाम लड़कियां जो इस गैंग का शिकार हुई थी, जो इनकी दहशत का हिस्सा बनी थी, जिनकी इज्जत शायद हमारे हाथ में थी, शायद हम उन्हें बचा सकते थे और हम कुछ नहीं कर पाए। मैडम सर, मैडम सर, हम देखते हैं। मैडम सर, आपकी तरह हमें वजनदार बात तो कहनी आती नहीं, पर हाँ आज हमें लल्ला के पप्पा की कहीं एक बात जरूर याद आ रही है। वो कहते थे चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। और तब तक तो हरगिज नहीं जब तक आप जैसी ऑफिसर कानून की रक्षा के लिए खड़ी है। मैडम सर, पुष्पा जी एकदम सही कह रही हैं। और आप ही कहती हैं ना, शूरवीर वो नहीं होता जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो होता है जो अपनी हार को जीत जाए। एंड आई एम श्योर हमारी मैडम सर को अपनी हार को जीत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, याद है आप ही ने कहा था। तो आज आप कैसे हार मान सकती है मैडम सर? आप ही की वजह से तो ये हमारा महिला पुलिस थाना गर्व से सर उठाकर खड़ा है। आप ही की वजह से आज महिला पुलिस फोर्स में महिला पुलिस कर्मी महिला पुलिस होने पर गर्व महसूस करती है। इतने सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा है, आप कैसे हार मान सकती है? मैडम सर, बाहर लड़की लोग आया है आपको राखी बांधने के लिए। आइए राखी बंधवाते हैं। आराम से, आराम से। कोई बात नहीं। मैडम, आप जानती हैं हम सब आपको ये राखियां क्यों बांधती हैं? खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक आप इस थाने में हैं, किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी, कोई अन्याय नहीं हो सकता। मैडम जी, आपने हम सभी औरतों को हमारे अंदर ही छुपी उस शक्ति के बारे में एहसास जगाया है जिसके बारे में हमें याद भी नहीं था। आपने हमें आत्मविश्वास से जीना सिखाया है, सिखाया चाहे हालात जो भी हो, हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए, हमेशा सच के लिए लड़ते रहना है। आप हम सब औरतों की शक्ति का कारण हो मैडम, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला हो आप। मैडम
मैडम सर, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आप दुनिया में बिक रही है, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। देश का मान ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई अभी जारी है, जिसे हम ही जीतेंगे। जरूर जीतेंगे मैडम सर, अब तो इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मैडम सर जी। जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, क्या है? हमारा इस्तीफा है मैडम सर। अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं करना चाहेंगे।